सुमंत का अयोध्या लौटना। राम से विदा लेकर सुमंत पहुँचे। उन्होंने देखा कि पूरे अयोध्या में शोक और उदासी व्याप्त थी। उन्हें आते हुए देखकर अयोध्यावासियों ने दौड़कर रथ को चारों ओर से घेर लिया और प्रश्नों की बौछार करना आरंभ कर दिया। राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ हैं? तुम उन्हें कहाँ छोड़ आए? अपने साथ वापस क्यों नहीं लाए? चाहकर भी सुमंत उन्हें धैर्य नहीं बंधा पा रहे थे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रयास करके स्वयं को नियंत्रित किया और लड़खड़ाती वाणी में कहा, गंगा पार के बाद वे पैदल ही आगे चले गए और उन्होंने आदेश पूर्वक रथ को लौटा दिया। सुमंत के मर्मवेधी वचन सुनकर नगरवासी बिलख बिलख कर विलाप करने लगे। देखते देखते सारा बाजार और सभी दुकानें बंद हो गईं। लोगों ने छोटी छोटी टोलियां बना लिए और शोकाकुल होकर राम के विषय में चर्चा करने लगे। कोई कहता, राम के बिना अयोध्या सूनी हो गई है, हमें भी यह नगर छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिए। कोई कहता, राम हमसे पिता की भांति स्नेह करते थे, उनके चले जाने से हम लोग अनाथ हो गए हैं। अन्य कोई कहता, यह राज्य अब उजड़ गया है, यहाँ रहने का अब कोई अर्थ नहीं है, चलो हम सब भी वन में चलें। कोई महाराज दशरथ की निंदा करता तो कोई रानी कैकेयी को दुर्वचन कहता। सुमंत राजप्रासाद के उस श्वेत भवन में जा पहुँचे जहाँ महाराज दशरथ पुत्र वियोग में व्याकुल अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े अपने अंतिम श्वासें गिन रहे थे। आशा की कोई धूमिल किरण कभी कभी चमक उठती थी और उन्हें लगता था कि संभव है सुमंत अनुन्य विनय करके राम को लौटा लाएं। संभवतः राम न आए किंतु कदाचित सुमंत सीता को ही वापस ले आए। उसी समय सुमंत ने आकर महाराज के चरण स्पर्श किया और विषादपूर्ण स्वर में राम को वन में छोड़ आने की सूचना दी। सुनते ही व्यथित महाराज मूर्छित हो गए। संपूर्ण महल में हाहाकार मच गया। महाराज को झकझोरते हुए कौसल्या ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप चुप कैसे हो गए? बात क्यों नहीं करते? अब तो कैकेयी से की हुई आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, फिर आप दुखी क्यों हैं? महाराज की मूर्छा भंग होने पर वे राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण करके विलाप करने लगे। उन्हें धैर्य बंधाते हुए सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, कृपानिधा, राम ने आपको प्रणाम करके कहा है कि हम सब सकुशल हैं। माता कौशल्या के लिए संदेश दिया है कि वे महाराज की हृदय से सेवा करें और कैकेयी के प्रति हृदय में किसी प्रकार का कलुष न रखें। भरत को भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है। महाराज दशरथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सुमंत, होनी को कौन टाल सकता है? इस आयु में मेरे प्रिय पुत्र मुझसे अलग हो गए, इस संसार में इससे बढ़कर भला क्या दुहक होगा? कौशल्या कहने लगी, राम, लक्ष्मण और विशेषतः सीता, जो सदा सुखपूर्व महलों में रही है, कैसे वन के कष्टों को सहन कर पाएंगे? राजन, आपने ही उन्हें वनवास दिया है, आप जैसा निर्दयी और कोई नहीं होगा। यह सब आपने केवल कैकेयी और भरत के सुख के लिए किया है। कौशल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। नेत्रों में अश्रु भरकर वे बोले, कौशल्ये, तुम तो मुझे इस तरह मत धिक्कारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कौशल्या का हृदय पानी पानी हो गया और वे रोने लगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे बोली, हे आर्यपुत्र, दुहक ने मेरी बुद्ध को हर लिया था, मुझे क्षमा करें। राम को यहाँ से गए आज 5 रात्रियां व्यतीत हो चुकी हैं, किंतु मुझे ये 5 रात्रियां 5 वर्षों जैसी प्रतीत हुई हैं। इसीलिए मैं अपना विवेक खो बैठी और ऐसा अनर्गल प्रलाप करने लगी। कौशल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, कौशल्ये,
जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ।